इंटीग्रेशन करना है -1 to 1 मॉड एक्स डीएक्स, ठीक है। अब अगर हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, ठीक है, मॉड एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कर लिया तो क्या मिलेगा हमको? सबसे पहला काम तो ये है, इसको दो तरीके से करेंगे हम, एक अपना जनरली जैसे करते हैं उस तरीके से, और दूसरा इसको हम ग्राफिकली करेंगे। जब ग्राफिकली इसको देखेंगे हम तो हमको पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन जो है कैसे एरिया निकालने में हो सकता है। तो जो मॉड एक्स होता है इसकी डिफिनीशन होती है, क्या होती है? माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये प्लस एक्स हो जाता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा लिमिट में, आई की लिमिट आपको ब्रेक करनी पड़ेगी माइनस वन टू जीरो मॉड एक्स डी एक्स एंड प्लस जीरो टू वन मॉड एक्स डी एक्स। दो पार्ट में ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि जीरो पे ये आपका ब्रेकिंग होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं रह जाता है ये। और यहाँ पे इसको अगर ओपन कर दें आप माइनस वन टू जीरो तो ये माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगी, और ये जीरो टू वन एक्स डी एक्स हो जाएगी इस डिफिनीशन के हिसाब से। इसको इंटीग्रेट कर ले तो माइनस बाहर कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जीरो टू माइनस वन प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन टू जीरो। इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो वैल्यू पुटअप करोगे तो माइनस बाहर रहेगा, अंदर से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ऑलरेडी वो माइनस वन होगा तो माइनस वन अंदर मिल जाएगा आपको। ये बाई टू होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, हमने टू लिखना छोड़ दिया था यहाँ पे, तो चाहो तो वन बाई टू को बाहर कर दो दोनों के, इसके भी बाहर इसके भी, ठीक है। इसी तरीके से ये बाई टू भी हो जाएगा और ये प्लस वन बाई टू हो जाएगा माइनस माइनस मिला करके। ये वन बाई टू वन है तो वन ही रह जाएगा अंदर। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हाफ प्लस हाफ यानी वन यूनिट बन जाएगा, वन स्क्वायर यूनिट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? वन स्क्वायर यूनिट इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। कितना आएगा? वन स्क्वायर यूनिट इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ग्राफिकली इसी क्वेश्चन को देखो कैसे किया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली कैसे किया जा सकता है देखते हैं। ग्राफिकली कैसे किया सकता है इसको? ग्राफिकली इसको ऐसे किया जाएगा, ये इसका कर्व हो जाएगा, किसका? y इक्वल टू मॉड x का कर्व हो गया। आपको पता है कि जीरो से आगे पॉजिटिव होता है, जीरो से आगे x आपका नेगेटिव होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड y जो पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब ये मान लेते हैं माइनस वन है, ये आपका पॉइंट प्लस वन है। अब आपको अगर इसका एरिया चाहिए निकालना तो वन पे आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, और ये तीन एक्सेस यानी कि x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू प्लस वन, ये लाइन x इक्वल टू प्लस वन हो जाएगी ना, ये लाइन x इक्वल टू माइनस वन हो जाएगी, और ये लाइन आपकी y इक्वल टू जीरो हो जाएगी पूरी, है ना। तो देखोगे आपकी इस कर्व और x और y एक्सिस के पैरेलल दो लाइन से उनसे जो घिरा हुआ एरिया है उस एरिया को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस एरिया को, ये जो एरिया है इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पूरी पूरी एरिया को निकालने तो कैसे निकलेगा देखो, ये दो एरिया है, दोनों सिमेट्रिकल एरिया है आपके पास में, है ना। ये टोटल एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो इस टोटल एरिया को कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे हम। ये एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है जिसका बेस एक यूनिट है और जिसकी हाइट हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू माइनस वन और इधर आप देखो y इक्वल टू मॉड x था, तो वहां पे y इक्वल टू माइनस x हो जाएगा, ये लाइन है ना, ये लाइन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू माइनस x, तो x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो y इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस वन कामा वन हो जाएगा।
तो इस हिसाब से इसकी लेंथ जो हो जाएगी वन यूनिट हो जाएगी। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपका, टोटल एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ओ, ए बी ओ एंड डी सी ओ। देखो ये दोनों सेम है, तो चाहे एक का कैलकुलेट करके दूसरे इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वन कामा वन हो जाएगा, तो हाइट वन हो जाएगी और ये वाली वैल्यू वन हो जाएगी। ये वैल्यू वन हो गई, ये वैल्यू भी वन हो गई आपकी, ये वाली वैल्यू भी वन हो गई, ये वैल्यू भी आपकी मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो वन यूनिट ही है, ये भी आपकी वन यूनिट ही है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, वन बाई टू बेस इंटू हाइट, तो वन इंटू वन हो जाएगा, प्लस इसका भी वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट वन बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू ये इक्वल टू वन स्क्वायर यूनिट हो गया, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो इंटीग्रेशन हमने किया हुआ था यहाँ पे, इसका भी वन स्क्वायर यूनिट आया हुआ था, इस जो डायग्राम बना हुआ है इसका भी एरिया निकाले तो इसका भी जो टोटल वैल्यू आ रहा है वन यूनिट ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी लिमिट में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट में इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उस कर्व एक्स एक्सिस, उस कर्व एक्स एक्सिस और जिस लिमिट की बात कर रहे हैं वहां पे वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दें, तो इन तीन एक्सिस से जो सराउंडेड एरिया होता है उसका एरिया निकल रहा होता है आपका, ठीक है। इन तीन एक्सिस से सराउंडेड एरिया होता है उसका एरिया निकल रहा होता है। जब आप एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो लिमिट आपका एक्स में चलती है, इसी तरीके से आप यहाँ पे वाई डी वाई भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वाई डी वाई भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यस सर। नोट कर लिया, एक मिनट सर। तो क्या सर, हो गया ना, आगे बढ़े। यस सर। चलिए तो अब इसके बारे में जो है थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है थ्योरी, मतलब थोड़ा सा वर्ड में इन चीजों को लिख लेते हैं जिससे कि आगे हमें जब दोबारा रिवीजन करें कुछ करें तो हमको ये चीजें मिल जाएं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया, क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और इसमें केस वाइज देखेंगे कब किस तरीके कर्व होगा तो उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। एरिया डिफरेंट केसेस ऑफ आप बाउंडेड एरिया, ठीक है। नंबर वन ये लिख लेते हैं, द एरिया बाउंडेड बाई द कंटिन्यूअस the area bounded by the continuous curve y equal to fx
the axis of x and the ordinate and the ordinates x equal to a and x equal to b, where a is greater than b, the b is greater than a, is given by. तो एरिया लिखने से पहले जो कुछ कहा गया है इसका हम ग्राफ बनाते हैं. क्या बनाते हैं? जो कुछ भी कहा गया है इसका एक ग्राफ बनाते हैं. ये कोई कर्व है आपका एफ एक्स. क्या है ये कोई कर्व है आपका एफ एक्स. ये आपका एक्स इक्वल टू ए है, ये आपका एक्स इक्वल टू बी है. ठीक है, ये ओ हो गया, एक्सिस वाई है, ये एक्सिस एक्स है. तो इसका एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है. इस एरिया ए विल बी गिवन बाय केस वन, इसको ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स कर लें, मतलब दिस एफ एक्स एंड हियर डी एक्स ले लें और इसको ए टू बी इंटीग्रेट कर दें. इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी ए टू बी, यहाँ पे वाई डी एक्स करते हैं. क्या करते हैं? वाई डी एक्स करते हैं. ओके, ये एफ एक्स को वाई भी लिखते हैं हम. ओके, ये वाई इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है. बात समझ में आ गई? यस सर. आपका जो डिजायर्ड एरिया है वो कौन सी एरिया होगी? आपके डिजायर्ड एरिया ये एरिया हो जाएगी. ये एरिया आपको पूरी पूरी मिल जाएगी जो आपने अंदर इसकी किया हुआ है ना, ये एरिया. तो ये एक्स एक्सिस x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और y इक्वल टू एफ एक्स कर्व के अंदर बाउंडेड एरिया जो है उसका निकालना है. तो निकालने का मतलब क्या करना है? एफ एक्स डी एक्स करके आपको इसे इंटीग्रेट कर देना है आपको. ठीक है, आपको ये वाली एरिया मिल जाएगी. ठीक, तो आगे से अगर हमें इस एरिया को निकालना हुआ डायग्राम बना करके, क्योंकि कंडीशन देगा उसको डायग्राम में बनाना पड़ेगा, बना करके देखना पड़ेगा उसको कौन सी एरिया अपने को मिलेगी. ठीक है, केस नंबर टू लिखिए, आगे नोट कर लिया? एक मिनट सर, ग्राफ बना रही हूँ. हो गया शुरू. ठीक है, केस नंबर टू यानी केस बी. द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइंस द एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन by the straight lines x equal to a, x equal to b, वही ऑर्डिनेट्स वाली बात है, ये कुछ और नहीं है. ठीक है, सॉरी,
and the curves. And the curves y equal to fx. And the curves y equal to fx. And y equal to gx. Provided fx is less than or equal to gx. Where मतलब हुआ कि a और b आपकी लिमिट है, खाली डिसाइड कर दिया गया. इज गिवन बाय ये fx, आप gx आपका अपर बाउंड है, fx आपका लोअर बाउंड है. इसका कहने का मतलब ये हो गया. ठीक है, ठीक है. gx का कर्व ऊपर जाएगा, fx का कर्व नीचे जाएगा. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, जो कह रहा है इसका मीनिंग क्या है. जो चीज ये कह रहा है इसका मीनिंग क्या है लेते हैं. दिस इज ए कर्व जी एक्स, y इक्वल टू जी एक्स है. एंड दिस इज अनदर कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स. ये दो कर्व है. यहां पे कोई पॉइंट आपका x इक्वल टू a है और यहां पे कोई पॉइंट आपका x इक्वल टू b है. अब अगर आप ये बाउंडेड एरिया निकालना चाहते हो तो क्या करो, यहां से ऐसी परपेंडिकुलर डाल लो. ठीक है, डाल दिया. ओके, ये आपका जो कर्व दिख रहा है इसके बीच में लाइन में दिख रहा है ना, ये आपको ये बीच वाली एरिया निकालनी है. कौन सी एरिया निकालनी है आपको, ये बीच वाली एरिया फाइंड आउट करनी है. ये एरिया आपको फाइंड आउट करनी है. कलर दिख रहा है ये लोग कि नहीं? यस सर. ये वाली एरिया आपको फाइंड आउट करनी है. तो इस एरिया को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? एरिया को फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि जो ऊपर वाला कर्व है उसमें x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस के बीच में है ना. देखो ये मैं पूरी वाली आपको एरिया चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं येलो कर दे रहा हूँ है ना, पूरे को मैं येलो कर दे रहा हूँ. और इस येलो वाले को हम लिख रहे हैं, सबसे पहले जो एलो एरिया है उसका वो लिख रहा हूं मैं, एलो एरिया. ये क्या हो जाएगी, ये ए टू बी हो जाएगी, जी एक्स से डी एक्स हो जाएगी है ना. ठीक है, यस सर. अब आप इसके नीचे की इस एरिया को लिखो. इसको क्या लिखेंगे, येलो रेड एरिया है ना. ठीक है, येलो रेड एरिया. ठीक है, इसको लिख. अब चूंकि ये कंफ्यूजन करेगा तो इसको येलो प्लस येलो रेड लिख लो है ना, येलो प्लस एलो रेड एरिया है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए कि नहीं, बाद में होगा कि शायद एलो ही लिखा हुआ है ये.
और एलो एरोड्रिया खाली कितना हो जाएगा, ये ए टू बी हो जाएगा, ये एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एलो एरिया चाहिए, तो एलो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलो प्लस एलो रेड एरिया, एलो प्लस एलो रेड एरिया माइनस एलो रेड एरिया, है ना। तो सिर्फ एलो एरिया आपको मिल जाएगा। इसका मीनिंग कितना हो गया, ए टू बी जी एक्स डी एक्स, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई ना। तो अपर बाउंड कर्व का टोटल एरिया निकाल लिया, उसमें से लोअर बाउंड कर्व का एरिया निकाल दिया, तो उसके बीच की एरिया निकल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपके 70% से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। इसको लिख सकते हैं ए टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ए टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई ना। यस सर, ठीक है। बना लेना तो बता देना। हो गया? Yes, sir. इसी केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सेकंड वाले को, और इसी का टाइप से देखते हैं। When two curves y equal to fx and y equal to gx intersect the bounded area is The bounded area is given by, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, a equal to a to b gx minus fx dx where a and b are the roots of the equation fx equal to gx means point of intersection, है ना, means point of intersection। डायग्राम बना ले, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, दो कर्व है। आपको पता है कि आपने ऑलरेडी सेट किया है कि gx आपका अपर बाउंड होगा, तो y इक्वल टू gx हो गया, और fx आपका लोअर बाउंड होगा, तो y इक्वल टू fx हो गया। ये इसके रूट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x के टर्म में, x इक्वल टू a and x equal to b।
जिस तरीके से पीछे निकाला था, एरिया बाई अपर कर्व माइनस एरिया बाई लोअर कर्व बिटवीन द लिमिट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस समझ में आ गई ना? यस सर। ओके सर। चलिए इसी का एक और केस देखते हैं। जब कर्व आपका एक्सिस को क्रॉस कर जाए तो क्या सिचुएशन होगी? इफ कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस इफ द कर्व क्रॉसेस द x axis at C, then the area bounded by the curve y equal to fx and the ordinates x equal to a and x equal to b। पहले ये जो डायग्राम क्या कह रहा है उसको जानने क्या है। Where B is greater than A is given by ये जो क्वेश्चन है जो लैंग्वेज ये कह रहा है इस सिचुएशन को ये डिपिक्ट कर रहा है। Y एक्सिस आपका ये X एक्सिस है और कोई कर्व है जो आपका एक्सिस को क्रॉस कर जा रहा है। कोई कर्व है जो आपके एक्सिस को क्रॉस कर जा रहा है और आपको x इक्वल टू a ये पॉइंट है और x इक्वल टू b ये पॉइंट है। ठीक है, इस एरिया को निकालना है आपको। x इक्वल टू a है, ये पॉइंट आपका x इक्वल टू b है, ये पॉइंट x इक्वल टू c पे इसको क्रॉस किया हुआ है, ये है y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। अब इससे बाउंडेड एरिया को आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखना जब ये c को क्रॉस कर जाएगा तो क्या करना है, क्रॉस करने के बाद में इसको इसी के तरीके से लिमिट को ब्रेक कर लेना है। क्या करना है, लिमिट को ब्रेक कर लेना है। ठीक है, सो दिस ए विल बी गिवन बाय दिस टू एरिया, यू कैलकुलेट दिस एरिया
एंड यू शुड कैलकुलेट दिस एरिया सेपरेटली, है ना। वाई सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है लेकिन आपका जो कर्व होगा इस रीजन में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो एरिया होगा दिस विल बी गिवन बाय ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और इस पे मॉड लगा देना है आपको, क्या लगा देना है मॉड लगा देना है, प्लस मॉड लगा देना है सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, दोबारा से इसको मॉड में बन, ठीक है। जिस तरीके से आपका मॉड एक्स ओपन होता था उसी तरीके से ये भी ओपन होगा, और आपको पता है जब ये ओपन होगा एक्स ए इक्वल टू सी तक, ये जो आपका फंक्शन ओपन होगा ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव देगा, एक्स इक्वल टू सी के बाद में जो वाई एफ एक्स सही ओपन होगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव देगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉजिटिव रह जाएगा ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ये ए टू सी है, ए टू सी, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एफ एक्स इसमें निगेटिव ओपन होगा, किसका होगा एफ एक्स इसमें निगेटिव ओपन होगा, कहां पे सी टू बी में, बात समझ आ गई। तो टोटल एरिया आपका ये हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। इस चीज को चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, मॉड एफ एक्स जो है इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स फॉर द गिवन कंडीशन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन सी, है ना, और ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन बी, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन बी, बस समझ में आ गई ना। यस सर, ये आपकी एरिया निकल जाएगी, तो इसमें डायग्राम प्लॉट करना ड्रा करना बहुत जरूरी हो जाएगा एरिया निकालते समय आपको, ठीक है। चलिए अगर अलग केस देखें, नोट कर लो, उसको सर आपने लास्ट स्टेप में लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और सिर्फ ग्रेटर देन सी, उसमें इक्वल टू नहीं आएगा क्या जी? लास्ट वाले स्टेप में जो लिमिट है एफ एक्स की, कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, आपके कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, है ना, ऐसे जा रहा था ये ऐसे हो गया यहाँ पे, है ना। यस सर, हो गया सर, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे लिखना है तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है, किसी एक में ही आपको इक्वल टू डालना है, ठीक है, कि एक्स सी से बड़ा हो, ठीक है, अगर आपने सी तक यहां ले लिया तो सी से बड़ा होने पे आपको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा होने मतलब 0.00001 टाइम बड़ा हो जाए, ठीक है, ठीक है। यस सर, चलिए एक और केस बचता है इसमें, उसको भी नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
The area bounded by the area bounded by y equal to fx and y equal to gx. Where a and b are limits when they intersect at x equal to c. एलिमेंट ए कामा बी मतलब ए बी के बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट करें इज गिवन बाई बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा ये एक्स एक्सिस हो गई ये वाई एक्सिस हो गई ये हो गया सपोज दिस इज योर वाई इक्वल टू जी एक्स कर्व and this one is equal to y equal to f. ये आपका पॉइंट C पे जो है इंटरसेक्ट करता है x equal to C पे और आपको एरिया निकालनी थी x equal to a और x equal to b के बीच ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये तो देखो आपको जो डिजायर्ड एरिया निकालनी है उसको फाइंड आउट करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इन दोनों कर्व के बीच की एरिया निकालनी है तो देखो x इक्वल टू c तक y इक्वल टू एफ एक्स आपका अपर बाउंड है ना तो मतलब ये एरिया बिटवीन दी कर्व हो जाएगी और c के बाद में जो है ये एरिया बिटवीन दी कर्व हो जाएगी है ना तो इन दोनों एरिया को जो शेडेड रीजन है इसी एरिया को आपको फाइंड आउट करना है ठीक है इसी एरिया को आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे ये एरिया जो होगी आपकी दी जाएगी a इक्वल टू a टू b मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ठीक है ए टू बी मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स से अब चाहे इस एरिया को निकालना था तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करके इतना निकल जाएगा और ये एरिया आपके निकलेंगे तो जी एक्स माइनस एफ एक्स करके निकल जाएगी तो हमने मॉड लगा दिया तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करो या जी एक्स माइनस एफ एक्स करो कोई फर्क ना रह जाएगा ठीक है इसी चीज को हम चाहें तो जो हमने कहा है उस तरीके से लिख सकते हैं ए टू सी के लिए अगर आपको निकालना है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स करना पड़ेगा डी एक्स और सी टू बी के लिए अगर आपको निकालना है तो जैसा पीछे हमने सीखा जो अपर बाउंड होगा माइनस लोअर बाउंड डी एक्स हो जाएगा बात समझ में आ गई ना ये आपका रीजन वन का एरिया शो करेगा ये रीजन टू का ये वन का एरिया हो गया ये रीजन टू का एरिया हो गया दोनों को डायरेक्टली लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है नोट कर लो इसको Thank you.
हो गया सर, हो गया ना। ओके अच्छा, तो अब एक बात बस खाली छोटी सी और देख लेंगे फिर आगे बढ़ चलेंगे हम। अगर आपको एरिया निकालनी ही है तो अगर वो इस तरीके का कर्व दिया था तो आपने इसको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल लिया था, है ना। अब क्या निकाला था, एरिया इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट बिटवीन लिमिट ए एंड बी कर दिया था, है ना। अगर ये कर्व आपका इस तरीके से दिया हो तो क्या करेंगे, ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप बस एक्सिस की लिमिट यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। मतलब इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, ये वाई इक्वल टू बी हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए हो जाएगा। और ये कर्व जब इस तरीके से होता है आपका, ये एक्स इक्वल टू एफ वाई बन जाता है ना, एक्स इक्वल टू एफ वाई बन जाता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ वाई डी वाई ए टू बी। तो डिपेंडिंग ऑन सिमेट्री कि हमें कहाँ से चीजें इजी मिलेंगी, ठीक है, ओके। और हमें किस एरिया को फाइंड आउट करना है, यहाँ एक्स या एफ वाई डी वाई हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। यस ठीक है, नोट कर लिया, एक मिनट सर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप करना, अगर आपको कर्व ड्रा करना आता है तो इजीली निकाल सकते हैं। ये सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल का सेंटर 0, 0 होगा और रेडियस कितना होगा, ए होगा, जैसा कि हमको पता है ज्योमेट्री से। तो हमने एक सर्किल ड्रा कर दिया जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस ए है। अब इस सर्किल से बाउंडेड कंप्लीट एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सिमेट्री यूज करेंगे। आपको पता है कि इसका 1/4 एरिया जो होगा, 1/4 एरिया के इक्वल होगा जो शेडेड रीजन है। तो इसका एरिया निकाल लो, बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट एरिया मिल जाएगा आपको। ये एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए, देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए है, ये है ना रेडियस पूरी, और 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ गई ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है तो 0 टू ए वाई डी एक्स हो जाएगा, और वाई की वैल्यू आपने यहाँ निकाला हुआ है तो इसको ला करके यहाँ पे पुटअप कर दो, 0 टू ए अंडर रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसीलिए फार्मूले वहां पे लिखाए गए थे कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन वाले, खासतौर पे एरिया निकालने में, ठीक है बेटा। तो देखो इसका इंटीग्रेशन पता है आपको कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, है ना। यस सर, तो इसको इंटीग्रेट कर दो और जो है उसको सॉल्व कर दो। तो इसको जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपको ये चीज मिल गई, इंटीग्रेट किया तो ये मिल गई, इसमें लिमिट पुटअप कर दिया, लिमिट पुटअप करके सॉल्व किया तो ये मिल गया, टोटल एरिया आपको पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर मिल गया आपको। बात क्लियर हो गई। यस सर, तो अब कोई भी क्वेश्चन देखोगे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करना है। अच्छा, इसी को एक अल्टरनेटिव तरीके से, मतलब जैसे मैंने कहा था एक्स वाई दोनों किया जा सकता है, तो आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी निकाला जा सकता था ना, अंडर रूट वाई। और आप लिमिट अपना यहाँ जीरो, ये जीरो था और ये जीरो टू ए तक जाएगा क्योंकि वाई भी चेंज करेगा। अगर आप इधर से भी इसको निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, कैसे, अब आपको एफ वाई डी वाई करना था, है ना, जीरो टू ए ही रहेगा, एफ वाई डी वाई आपको करना था, ठीक है। यस सर, ठीक है, एफ वाई डी वाई आपको यहां पे करना था। ये कितना हो जाएगा, ये एक्स डी वाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा ये, ठीक है।
बस इस बात को ध्यान रखना जब फंक्शन लिखेंगे तो डीवाई डी वाले में ये सेम होगा, और जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि एरिया है तो मतलब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए एक्स और वाई का, ठीक है। अब इसको भी इंटीग्रेट कर लो आप, तो इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो वही आंसर मिलेगा आपको, वही फार्मूला लगेगा, वही आंसर करेगा, आंसर वही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलिप्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो इलिप्स दिया है तो इलिप्स बना लो ऐसे, इसका सेंटर जीरो हो जाएगा, जीरो 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 कामा जीरो, ये अपना ए कामा जीरो हो जाएगा, ये अपना जीरो कामा बी हो जाएगा, पता है ना आपको एरिया निकालना है। इतना एरिया निकाल के आपको क्या करना है, फोर से मल्टीप्लाई कर दे, तो फोर इंटू एफ वाई डी वाई। अब जब एफ वाई डी वाई आपने किया हुआ है यहाँ पे, तो लिमिट आपकी वाई में चलेगी, तो वाई में जाओगे तो जीरो टू बी जाएगी, या इसी को आपने अगर एफ एक्स डी एक्स करना है तो लिमिट आपकी इसमें जाएगी, जीरो टू ए में जाएगी। तो दोनों में से जो भी पसंद आए वो पुटअप करके इसको सॉल्व कर देना है, एफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ए उधर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इक्वल टू बन जाएगा आपका ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से वाई इक्वल टू भी आपका बन जाएगा बी बाई ए, है ना, y इक्वल टू बन जाएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिस भी फार्मूले को यूज करना है उसके रिकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर देना है आपको, और इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है पाई ए बी। ये वही इंटीग्रेट किया गया है इन्होंने, किया है एफ एक्स डी एक्स करके किया है इन्होंने, कोई बात नहीं कर लो इसको, ये कर लिया इंटीग्रेट कर दिया, फार्मूला था ये, ठीक है। तो वाई लिखने की जरूरत नहीं है कोई, डायरेक्ट फार्मूला हमें पता है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आपका पाई ए भी आ जाएगा। बस समझ में आ गई? यस सर। अब अल्टरनेटिव भी करते तो भी वही आंसर मिलता, कोई मतलब नहीं है। एरिया बाउंडेड बाई ए कर्व एंड लाइन, कुछ नहीं करना है, आप मान लेते हैं ये आपका कर्व था, ये आपकी लाइन है, इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया, ये टोटल एरिया आपको निकालनी थी, है ना, क्या करनी है, ये टोटल एरिया आपको निकालनी है। तो ये टोटल एरिया निकालने का तरीका जैसे मैंने पहले बताया था कि इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, अब इसको ध्यान से देखो तो ये वाला आपका जी एक्स की तरह हो जाएगा, अपर बाउंड हो गया ना ये, और ये वाला एफ एक्स हो जाएगा आपका लोअर बाउंड हो जाएगा। और चूंकि सिमेट्रिकल एरिया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, तो या तो मॉड लगा के करो, मॉड लगा के नहीं करना तो इस हाफ एरिया को निकाल लो, उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको क्या करना है, जी एक्स माइनस एफ एक्स कर देना है, इंटू डी एक्स कर देना है, जीरो टू ये मान लो आपका बी है, सॉरी ये ए है, ये जीरो है और ये पॉइंट बी है, तो जीरो टू बी इसको इंटीग्रेट कर देना है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, अगर आपने केस को समझा हुआ है, डायग्राम को बना लिया अच्छे से, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें अब टफ नहीं रह जाएगा, ठीक है। अलग अलग एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जिसके टर्म में भी चाहो वो आप कर सकते हो। जैसे देखो ये एरिया निकालनी है आपको, खाली क्या निकालनी, ये एरिया निकालनी है आपको, तो इसमें देखो ये आपका अपर बाउंड है, ये फंक्शन आपका एफ एक्स की तरह हो जाएगा, है ना, ये जी एक्स की तरह हो गया, ये आपका एफ एक्स की तरह हो गया, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आपका ये इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो
ये टोटल एरिया आपको चाहिए, क्या चाहिए? ये टोटल एरिया चाहिए आपको। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, आप इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लो जो कि इस कर्व के थ्रू है, अब प्लस जो पॉइंट एम है यहां से लेकर के यहां तक एरिया आप इस कर्व के इंटीग्रेशन में निकाल सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? इस कर्व को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब कर्व लेना है आपको, कर्व लेना है तो उसकी लिमिट एम से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी? एम से स्टार्ट होगी, और कहां तक जाएगी? ए तक जाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कि जो आपका रेड कलर वाला है ये आपके लाइन से बाउंडेड है y इक्वल टू x से, तो ये x dx हो जाएगा। लिमिट कहाँ लग जाएगी? O पे जीरो है, तो जीरो से m का जो भी कोऑर्डिनेट होगा m तक लिमिट लग जाएगी, प्लस m टू a तक की लिमिट लग जाएगी, और उसमें आपका ये सर्किल वाला जो कर्व है ये लग जाएगा। ये कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाता है। a उसकी एरिया बन जाएगी क्वेश्चन में। a आपका अंडर रूट ए स्क्वायर आपका 32 दिया हुआ है, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। इन्होंने इसको अलग अलग करके किया है, पहले एक रीजन का एरिया, पहले इन्होंने फर्स्ट इंटीग्रेशन कर लिया है जो कि इनका ये आ गया है, फिर इन्होंने सेकेंड इंटीग्रेशन कर लिया है, ये सेकेंड इंटीग्रेशन कर लिया है इन्होंने जो कि इनका ये आ गया है। ठीक है, ओके okay. हमने टोटल एरिया निकाला हुआ है। इन्होंने इनको क्वेश्चन में क्या था, साथ कुछ और था, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन वाई एक्सिस एंड ओके। इनको क्या करना है, ये लिमिट कितनी हो, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 रूट 2 है, तो 0 टू 4 इन्होंने इसका निकाल लिया। और इसके बाद क्या किया इन्होंने, दूसरे वाले का एरिया निकाल लिया, कितना, 4 टू 4 रूट 2 जो हमने बताया था, जिस तरीके से दोनों एरिया को इन्होंने निकाल लिया आपका। ठीक है, सॉल्व कर लिया इन्होंने, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, दोनों को जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लिया, उसकी 8 आई थी, इसकी 4 पाई आई, 8 कैंसिल होकर के 4 पाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े, यस सर। इसी तरीके से इलिप्स का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ए, कोई बात नहीं, ये आपका x इक्वल टू ए मतलब फोकस से लाइन जाएगी, ये आपका कर्व है, ये कर्व है, ये जीरो टू लिमिट हो जाएगी आपकी। बस कुछ नहीं करना है, खाली आपको जीरो टू लिमिट पुट अप कर देनी है यहाँ पे, और कर्व की वैल्यू डाल देनी है, इसको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, सिर्फ ये एरिया आपको निकालनी है, ये पूरी एरिया निकालनी थी आपको, क्या निकालनी थी, ये पूरी एरिया निकालनी थी, तो इन्होंने हाफ एरिया निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, हाफ हाफ क्यों निकाल रहे हैं, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते पूरा इसको यहाँ तक तो क्या प्रॉब्लम आती है? Yes, sure. ठीक है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो क्या होता, देखो ये सिमेट्री है इसलिए सिमेट्री को यूज करते हैं। दूसरी चीज, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो जब जाएंगे तो लिमिट आपकी प्लस माइनस चेंज होती रहेगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम अलग पूरा डायरेक्ट ना करके हम सिमेट्रिकल रीजन को करके उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. सर्किल में करना है आपको, एरिया निकालनी है तो यहाँ से स्टार्ट करते फिर यहीं तक आते, अगर लिमिट लेकर के आप तो यहीं से लेकर के यहीं पहुंच जाते ना, फिर एरिया नहीं निकल पाती ना। ओके, फिर हर रीजन में कर्व का साइन आपके चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलती जाएगी आपको। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल एरिया निकाल के उसको उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 8.1 बन जाएगा। इसी तरीके से 8.2 भी कुछ नहीं है, हमने बता दिया, पूरा केस समझा दिया है, सिर्फ अपर बाउंड लोअर बाउंड कर्व को आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कहाँ कहाँ पे है।
जैसे ये कर्व, ये एरिया निकालनी थी आपको, देखो ध्यान से, ये वाला पहला कर्व होगा, ये वाला दूसरा कर्व हो गया। ध्यान देखो, ये वाला कर्व लोअर बाउंड है, ये वाला कर्व अपर बाउंड है, तो इनके बीच के एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट आपका वन हो जाएगा, वन कामा जीरो, इसको जीरो टू वन इंटीग्रेट कर देना है। और ध्यान रखना जो अपर बाउंड होता है वो जी एक्स होता है, तो एक्स इक्वल टू वाई क्यूब, ये वाला जी एक्स का कर्व बनेगा और ये वाला कर्व इसका बनेगा, किसका, लोअर बाउंड का। तो ध्यान रखना दोनों में से आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालना है अगर एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है, अगर वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है तो ये भी जीरो टू वन ही जाएगा, है ना, जीरो टू वन ही जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस पे जब इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये आप चेंज हो जाएगा, ये आपका अपर बाउंड हो जाएगा, ये आपका लोअर बाउंड हो जाएगा। तो जो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना होगा आपको, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई हो जाएगी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एक्स डी वाई, कितना बन जाएगा, एक्स डी वाई। अगर आपको dx में निकालना है तो इसको आपको y dx निकालना पड़ेगा, लिमिट 0 टू 1 ही रहेगी। ध्यान रखना इस टाइम पे दूसरा वाला कर्व आपका अपर बाउंड हो जाएगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें आपको, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स आपका जी एक्स के तरीके से है, तो इसको पुटअप करेंगे 0 टू 1, तो जी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स करके ये इंटीग्रेट होगा। बस समझ में आ गई ना, अपर बाउंड लोअर बाउंड इक्वलाइज कर लोगे, ये वैल्यू हो गई, इंटीग्रेट कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। यस सर।